my name is Shreya Das and welcome back to my YouTube channel. I'm back with yet another Meesho haul video. Last time जो मैंने की थी वो एक कुर्ती पे थी, कुर्ती कलेक्शन पे थी. एंड आज की वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ वेस्टर्न वेयर कलेक्शन एंड उसकी क्वालिटी कैसी होती है, प्राइसिंग वगैरह. एवरी थिंग इज़ अंडर 500 rupees, सो इट्स gonna बी वेरी अफोर्डेबल. क्लोथिंग आइटम्स के साथ एक दो एक्सेसरीज भी ली है मैंने, सो आई एम gonna also show you guys that. And without any further ado, let's jump right into this video. So the very first thing that I got is this very basic brown colored crop top. It's in this halter neck sort of a pattern and it's backless from behind. काफ़ी basic सा है, everyday wear के लिए it's great and I am in the size medium. इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. ये मुझे पड़ा है सिर्फ 175 rupees का, which I think is great. बहुत बेसिक ब्राउन कलर में लिया है ताकि बहुत सारे आउटफिट के साथ जा सके. एंड पर्सनली आई डेफिनेटली लाइक टू इन्वेस्ट मोर ऑन डार्क कलर्स क्योंकि मुझे लगता है कि दैट कॉम्प्लीमेंट्स माय स्किन वेरी नाइसली. ओके गाइस, सो नेक्स्ट अप वी हैव दिस ब्यूटी राइट हियर. दिस इज सच अ क्यूट एंड प्रिटी टॉप. लाइक इतना अच्छा स्टेटमेंट पीस है. इट्स इन ब्राइट येलो कलर एंड मिटस वन फॉर ओनली ₹411 एंड इट्स वर्थ पेइंग ₹400 for this because the quality and everything about this top is very nice. Rib material में है जो कि काफ़ी ज़्यादा stretchable है and ये उसका ऊपर का जो design है, जो flowery design बना हुआ है, that is a net का material. Parties वगैरह में इसको पहन सकते हो, style कर सकते हो jeans के साथ, skirts के साथ. कि इसका नीचे का part could have been a little bit more longer क्योंकि ये one shoulder already है, तो अगर नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होता तो इट वुड हैव बीन अ लिटिल मोर कम्फर्टेबल फॉर. ओके, सो नेक्स्ट अप वी हैव दिस टॉप राइट हियर. आपको देख के लग रहा होगा कि ये है क्या, बट दिस इज़ बेसिकली अ टाई अराउंड टॉप. आई थिंक नैपकिन टॉप बोलते हैं. सो यू बेसिकली टाई इट अराउंड योर शोल्डर एंड यू टाई दिस टू धागास पीछे एंड इट्स कम्प्लीट बैकलेस. एंड ये मुझे पड़ा है फॉर 177 rupees, विच आई थिंक इज रीजनेबल क्योंकि ये सैटिन मटीरियल का है एंड सैटिन आर क्वाइट एक्सपेंसिव. आई गॉट दिस वन इन अ मीडियम साइज एंड आई लव द कलर ऑफ इट. लाइक द कलर इज टू डाई फॉर. इफ यू आर नॉट कम्फर्टेबल वेयरिंग इट एज इट इज, यू कैन डेफिनेटली लेयर इट अप किसी शर्ट के ऊपर या फिर टी शर्ट के ऊपर. इफ यू गाइज वॉन्ट टू सी मॉडेस्ट वेज टू स्टाइल दिस टॉप, आई एम डेफिनेटली गॉन मेक अ शॉर्ट्स ऑन दिस. So do let me know in the comments down below. So next up we have this very pretty black color back printed top. Back का ये print है. This is a very cute panda print that's made and काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. And ये मुझे पड़ा है 267 rupees का, जो कि I think it's great. I am not really very fond of the material. ये थोड़ा सा see through material में है, but क्योंकि ये black color में है तो उतना समझ में नहीं आ रहा है. And इसका print भी अगर आप अच्छे से देखें तो थोड़ा सा टेस्ट हुआ है क्योंकि एंड आई डोंट नो इसके ऊपर आयरन कर सकते हैं कि नहीं. सो अदर देन दैट आई थिंक इट लुक्स ग्रेट ओवरऑल. नेक्स्ट अप हमारे पास है एक और ओवरसाइज टी शर्ट. आई गॉट दिस इन अ वेरी प्रिटी रेड कलर एंड सामने से कुछ ये ऐसा दिखता है, पीछे इट्स वेरी प्लेन एंड ब्लैक. रेड कलर में है, विच आई थिंक लुक्स ग्रेट ऑन माई स्किन टोन. एंड इसका प्रिंट भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट है. अगेन मीडियम साइज में लिया है, कॉटन मटेरियल में है. ये मुझे पड़ा है अगेन 277 rupees का, विच आई थिंक इज ग्रेट. प्रिंट भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है, सो आई एम रियली इन लव विद दिस होल टी शर्ट. द लास्ट क्लोथिंग आइटम इन टूडेज वीडियो इज दिस वेरी वेरी क्यूट कार्टून प्रिंटेड शर्ट. काफ़ी ज़्यादा क्यूट है. लाइक आई कैन ऑर्डर दिस इन मीडियम साइज. इसका हाफ स्लीव्स है एंड इसका मटेरियल काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट एंड ग्रेट फॉर समर्स है. लाइक काफ़ी ज़्यादा एयर पास हो सकता है. आई डोंट नो द एग्जैक्ट मटेरियल बट काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है. आई गॉट दिस वन फॉर ₹267 एंड शर्ट्स तो ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा वेज में आप स्टाइल कर सकते हो. सो आई थिंक शर्ट्स आर क्वाइट वर्सेटाइल एंड इसीलिए आई थिंक आई कैन गेट सो मैनी यूजेज ऑफ दिस शर्ट दैट इट्स डेफिनेटली वर्थ पेइंग एवरी ₹267 फॉर. ओके, सो नाउ लेट्स जस्ट क्विकली मूव ऑन टू सम एक्सेसरीज दैट आई गॉट. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज दिस वेरी प्रिटी ब्लैक कलर चोकर नेकलेस. ये मुझे दो के सेट में आया था एंड आई गॉट दिस वन इन वाइट कलर एंड वन इन ब्लैक कलर. एंड ये मुझे सिर्फ 124 rupees का पड़ा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल एंड सस्ता है. मार्केट में अगर आप सेम चीज़ लेने जाओ तो बहुत महंगा आता है ये सब. एंड चोकर नेकलेस क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो आप इसको ड्रेसेस के साथ या फिर डीप नेक टॉप्स के साथ काफ़ी अच्छे से स्टाइल कर सकते हो एंड आप काफ़ी सुंदर लगने वाले हो. काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लुक देता है ये एंड इसका क्वालिटी वाइज भी ये काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है.
So I think 124 rupees, it's a great price to buy this one. Okay, so next up we have this white color ka sling bag. सामने ये जो है ये website में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया था. I think ये लोगों ने अपना brand logo या फिर ऐसा कुछ चिपका दिया है. मेरी मम्मी ने अपने लिए मंगाया था. So I thought I'm gonna include this in this video only. And इसकी chain कुछ ऐसे type में आती है जो कि again website में ऐसा नहीं था. And अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है. इसमें एक भी कंपार्टमेंट नहीं है. क्वालिटी वाइज आई थिंक अच्छा है, टिकाऊ है, बट आई थिंक कुछ महीनों के बाद इसका जो स्किन है वो पील ऑफ हो सकता है. ये मुझे पड़ा है 189 रुपीज़ का, विच आई थिंक अगर आप 6 से 7 महीने भी चला लो इसको डेली यूज़ के लिए तो आई थिंक इट्स ग्रेट एंड पैसा वसूल डेफिनेटली हो जाएगा आपका. टू आइटम्स बचे हैं हमारे पास जो कि कंप्लीट फेल है एंड मैं रिटर्न करने वाली हूँ. सो द फर्स्ट थिंग जो कि मैं रिटर्न करने वाली हूँ ये है 9 सेट ईयरिंग पीस, जिसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा फ्लिम्जी मटीरियल में है. प्लस मेरा जो ईयर हो है वो थोड़ा सा ऊपर के साइड है एंड इसका जो सर्कल पार्ट है वो बहुत छोटा है. ये मैंने 211 रुपए का लिया था. सो एंड मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का आएगा, इट्स वे के लिए ग्रेट होगा, बट आई टर्न आउट टू बी बैड. सो आई एम डेफिनेटली रिटर्निंग दिस. एंड द लास्ट थिंग दैट आई गॉट इज़ दिस टेपेस्ट्री, जो कि मेरे पास बिल्कुल ही कुछ अलग आ गया है. मैंने जो वेबसाइट पे देखा था एंड जो उन्होंने भेजा है वो काफ़ी अलग है. मुझे ये टेपेस्ट्री कम डबल बेड का बेडशीट ज़्यादा लग रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा लंबा है. मैंने ये सोच के इसको मंगाया था कि मैं बैकड्रॉप्स में अपना यूज़ करूँगी, बट ये काफ़ी ज़्यादा लंबा है. सो आई डोंट थिंक सो आई एम गोना गेट एनी यूज़ ऑफ दिस. ये है डेफिनेटली बेडशीट, अगर आप यूज़ लेना चाहो एज अ बेडशीट डेफिनेटली बहुत सुंदर है. 432 का पड़ा है एंड आई थिंक बेडशीट के हिसाब से इट्स गुड, बट टेपेस्ट्री के हिसाब से आई डोंट थिंक सो आई एम गोना बी एबल टू यूज़ दिस. ओके, सो विद दैट वी हैव कम टू एन एंड टू टुडेज वीडियो. आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग एंड इफ यू डिड देन यू नो वॉट टू डू, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आई एम गोना सी यू गाइज नेक्स्ट संडे. अंटिल देन बाय.